फोर्थ गियर डालते ही तो 70 पहुंच जाती है और काफ़ी स्मूथ चल रही है। और साउंड भी आप एक बार सुनो इसका यार, साउंड काफ़ी बढ़िया भाई। सो यार साउंड के मामले में एक नंबर भाई। सो यार अभी मैं इसको 73 समथिंग ले गया, बट वहाँ पे भी मेरे को कुछ ऐसा इशू दिखा नहीं इस गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी चलने में तो काफ़ी सही है। सो वेल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौरव जेस व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग, होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। और आज है मंडे और अपन जस्ट अभी खड़े हैं टीवीएस शोरूम के बाहर अगेन, एंड जो सेकंड वीडियो होने वाला है ये आज होने वाला है राइड का रिव्यू। तो राइड रिव्यू करने के लिए पहले अपन गाड़ी को ले आते हैं और आज राइड का रिव्यू देखते हैं कैसा होने वाला है, चला के देखेंगे गाड़ी को कैसा क्या एक्सपीरियंस होने वाला है, ब्रेकिंग टेस्ट वगैरह, सस्पेंशन कैसे क्या है इस गाड़ी के, तो वो सारा आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और अगर आप उससे पहले इस चैनल पर उस टाइम होना तो गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए डायरेक्ट आपको गाड़ी में मिलते हैं। सो आज अपन यहाँ टेस्ट राइड कर रहे हैं रेडार 125 की, जो कि काफ़ी यार इसका जो फर्स्ट ब्लॉग था वो रिव्यू के अकॉर्डिंग था, जो काफ़ी प्यार आपने उस वीडियो को दिया, तो थैंक यू सो मच। और आज अपन चल रहे हैं इसका टेस्ट राइड लेने के लिए, तो देखते हैं इसका कैसा ब्रेकिंग टेस्ट रहता है, कैसी परफॉर्मेंस रहती है गाड़ी की। सो देखिए बैठते ही स्टार्ट। आर यू सीरियस? मजाक कर रहा हूँ, मेरा जस्ट हाथ चला गया था इसके ऊपर। और इसके अंदर ब्रेकिंग आपको काफ़ी सही मिल जाती है, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। तो इसके अंदर आपको गियर्स जो मिल जाते हैं वो है 5 गियर्स हैं। तो यार 125 सीसी का अकॉर्डिंग जो टैंक फ्यूल कैपेसिटी है वो 10 लीटर आपको मिल जाती है, 10 लीटर काफ़ी सही रहता है। मतलब तो काफ़ी सही चल रही है, चलने में तो यार गाड़ी एक नंबर है। ओ भैया कहाँ उड़ते हुए आ रहे हो। सो यार अभी मैं इसको 73 समथिंग ले गया, बट वहाँ पे भी मेरे को कुछ ऐसा इशू दिखा नहीं इस गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी चलने में तो काफ़ी सही है। और इसकी एक बार ब्रेकिंग भी देख लेंगे, तो 40 पे भी इंस्टेंट ब्रेकिंग लग रही है भाई। आप 70 चली गई और उसके बावजूद भी फोर्थ गियर में 70 पकड़ लेती है गाड़ी। और इसके अंदर से एक मेरे को पटाखे वाली चीज सुनाई दे रही है यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या है। और ब्रेकिंग वगैरह भी इसकी काफी सही लग रही है, तो जरा देखे तो हम भी कैसे लग रहे हैं। हाँ जी क्या हाल है? तो यहाँ एक बार और खाली से ही रोड मिल गई है, ये काफी सही हो गया। ओ ऐसा एक नंबर। अब जैसे ये ब्रेकर आ गया, अब ये ब्रेकर मेरे को 1% भी फील नहीं हुआ, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। सो यार कुछ ऐसा दिखता है इसका फ्रंट व्यू, सो देख सकते हैं आप एक बार क्या परफॉर्मेंस है भाई, एक नंबर, मज़ा आ गया इस गाड़ी को चला के। सो कुछ साउंड इसका ऐसा आ रहा है, ये शायद वाइब्रेट ज़्यादा हो रहा। सो यार साउंड के मामले में एक नंबर भाई, टीवीएस वाले तो भाई कमाल कर देते हैं साउंड के मामले में। और इसका यार एक टॉप स्पीड टेस्ट भी अपन बना देंगे पर्सनली, क्योंकि टॉप स्पीड टेस्ट भी चलना चाहिए, एक बार देखे तो सही कि 125 सीसी की गाड़ी कितना टॉप स्पीड पकड़ रही है। चलने में तो ये देखो एकदम नेकेड वर्जन है, बिल्कुल लाइट वेट, तो चलने के अंदर तो काफ़ी सही चल रही है। और मतलब अभी जो ब्रेकर्स आए थे उसमें मेरे को रिलीफ मिला, मतलब धचके तो बिल्कुल ही नहीं अड़ रहे। अब देखिए 60 पे भी चल रही है, नहीं है तो पता भी नहीं चल रहा कि ये 60 पे चल रही है। और गाइस अपना जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस गाड़ी को राइड करके, और इसका पावर भी काफ़ी बढ़िया है। इसमें जो मोड दिया हुआ है मैंने PWR और ECU जो मोड है वो भी मैंने उसको टेस्ट किया, थोड़ा बहुत जो था पावर के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा था। तो मतलब कहीं ना कहीं गाड़ी के अंदर जो फीचर नया ऐड किया है वो काफ़ी वर्थफुल है और काफ़ी सही भी है। और मेरा जो एक्सपीरियंस था ना वो मतलब अच्छा था, मेरे को मतलब आप कह सकते हो कि हाँ मेरे को 125 सीसी के अंदर अगर कोई बाइक पसंद आई होगी ना तो ये है। तो क्योंकि इसका जो
मार्केट में जो आ रहा है ना प्राइस, वो भी काफ़ी सही है। और गाड़ियों के अकॉर्डिंग इसकी जो माइलेज है, और माइलेज का भी अगर आपको गाइस का कोई वीडियो चाहिए और इस गाड़ी से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो इसका किसका चाहिए, और मैं उसी का वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी वर्थफुल था और काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस गाड़ी को राइड करके। सो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये सिंपल सफर ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो पता है ना आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नए ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए टिल द टाइम बाय राइड्स।